सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं को संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कहा गया है कि ये धाराएं धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। यह याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की है। एक धार्मिक नेता स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा दायर याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि धाराएं न केवल अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करती हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का भी खुले तौर पर उल्लंघन करती है, जो संविधान की प्रस्तावना और बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को हाई चोट बहुत बड़ी है। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को हुई चोट बहुत बड़ी है, क्योंकि अधिनियम की धारा 2, 3, 4 से न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार छीन लिया गया और इस तरह न्यायिक उपचार का अधिकार बंद कर दिया गया। पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 3 पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाती है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग या एक अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल पर परिवर्तित नहीं करेगा। जी हाँ, आपको बता दें, याचिका में यह घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करने के लिए असंवैधानिक है, क्योंकि यह विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक पूजा स्थलों और तीर्थयात्राओं को वैध बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।